मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं TCS के ऊपर चर्चा करूंगा। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यह टाटा ग्रुप की क्राउन ज्वेल कंपनी है। क्राउन ज्वेल मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली, प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। साथ ही साथ अब ये विश्व में एक अलग ही स्थान बना चुकी है और विश्व की अग्रणी IT सर्विसेज कंपनियों में से एक है। TCS का अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो तरह के व्यापार हैं, एक प्रोडक्ट्स, एक सर्विसेज। बहुत कम लोगों को पता होगा कि TCS के अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो ये क्लाइंट को बेचते हैं, एक तरह से सॉल्यूशन पैकेज आप कह सकते हैं, ये क्लाइंट को बेचते हैं और साथ ही साथ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके सपोर्ट के लिए। और दूसरा है ये क्लाइंट का पूरी तरह से सर्विस लेते हैं। अगर आप IT बैकग्राउंड से जुड़े होंगे तो आपको इस चीजें समझने में सुविधा होगी, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए। सर्विसेज मतलब मान लीजिए SBI, आप जानते होंगे SBI का अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट है और जहाँ पे आप लॉग इन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो वेबसाइट मेंटेन करने का काम टाटा TCS अगर करती है तो वो हो गया सर्विसेज। मतलब किसी दूसरे बैंक या किसी दूसरे कंपनी का IT का कारोबार में मदद करना, उसको संभालना या सर्विसेज प्रोवाइड करना हो। प्रोडक्ट हो गया कि जैसे SBI का जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, वो जो पैकेज है वो TCS ने अगर दिया है तो वो हो गया आपका सॉल्यूशन, मतलब एक प्रोडक्ट बेचना। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दो चीजें हैं, दोनों में TCS का प्रेजेंस है। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो इनके कई प्रोडक्ट हैं, उसमें से एक है क्रोमा, इग्नियो, जाइल। ज्यादातर ये प्रोडक्ट्स इनके डिजिटल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। TCS ऑप्टूमेरा, क्वार्ट्ज ब्लॉकचेन, ये जो डिजिटल एंड IT सर्विसेज हैं जो भविष्य की तकनीक बोली जा रही हैं, जैसे IoT हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड हो गया, इनसे जुड़ी प्रोडक्ट्स हैं। फिर टैप हो गया, TCS बैंक हो गया, TCS बैंक आपका समझ लीजिए बैंकिंग पैकेज है, TCS आयोन एंड TCS मास्टरक्राफ्ट। सो ये 9 प्रोडक्ट्स हैं TCS के, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल को टारगेट करते हुए। ये मेजर रेवेन्यू जनरेटर भी हैं TCS के और समय के साथ साथ TCS अपने प्रोडक्ट्स भी लाना शुरू कर दिया ताकि एक खास तरह की प्रॉब्लम, रिपीटेटिव प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सके, अपना एक पैकेज दे सके और पैकेज को वो कस्टमाइज कर सके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के जरूरत के हिसाब से। जैसे बैंक्स की अगर एग्जांपल ले लें, जो एक बैंकिंग का पैकेज है, तो इन्होंने SBI को बैंकिंग का पैकेज दिया, उसके बाद SBI कहा कि हमको थोड़े 2-4 फीचर अलग चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया, तो ये SBI के लिए हो गया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा बोलेगा कि मुझे बैंक्स दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें जो फीचर्स हैं उसके अलावा 1-2 फीचर अलग दीजिए या कम कर दीजिए, तो उसको कस्टमाइज करके HDFC के लिए दे दिया या बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए दे दिया। तो इस तरह वो पैकेज को थोड़ा कस्टमाइज करने का भी काम करते हैं। जैसा कि कहा, सपोर्ट एंड सर्विसेज डिवीजन, ये मेजर रेवेन्यू जनरेटर है TCS का। सर्विसेज कारोबार ज्यादातर जो इनके क्लाइंट्स हैं वो विदेशी हैं। IT कारोबार देखिए इनका बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, या तकरीबन कह सकते हैं कि सभी महाद्वीप में फैला हुआ है। अमेरिका से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, साउथ अमेरिका से भी आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनका अफ्रीका में कारोबार है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में भी है। तो एक तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंस है TCS का और 4 लाख एम्प्लॉई हैं, तो यह एक बहुत ही स्टेबल जगह पहुंच गई है। अगर हम सर्विसेज इंडस्ट्री को देखें, IT सर्विसेज इंडस्ट्री को देखें, और क्लाइंट के साथ इनका इंगेजमेंट जो है, मतलब लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट भी रहता है, तो ऑल इन ऑल इंडियन IT इंडस्ट्री
यस, एक मेच्योर जगह पे पहुंच गई है, एक स्टेबल जगह पे पहुंच गई है, और उसी तरीके से टीसीएस भी एक स्टेबल जगह पहुंच गई है। आईटी सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसा मुकाम बन गया है, एक ऐसी जगह है, एक डिपेंडेंसी वर्ल्ड की है कि ये आउटसोर्सिंग चलता रहेगा, क्योंकि भारत का जो है लेबर कॉस्ट कम है और यहाँ के टैलेंट पूल का अभाव नहीं है, तो यह एक मैच्योर और स्टेबल बिजनेस बन गया है इंडिया के लिए, और टीसीएस इसका फ्रंट रनर है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जैसे फॉरेन के भी सर्विसेज कंपनी हैं, एक्सेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, और उसके साथ ही साथ इन्फोसिस हो गया, ये इनके विप्रो हो गया, इनके कंपटीटर हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो ऑल इन ऑल इतनी मेच्योर हो गई है और इतनी एक स्टेबल पेस से ग्रो कर रही है कि सभी कंपनियों के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी भी है। बहुत लोगों ने 10 साल पहले ही 2007-08 में आईटी इंडस्ट्री को बोल दिया था ये खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेबल है और विथ टाइम ये इनोवेट होती रहेगी। तो टीसीएस अगर हम देखें तो टीसीएस सबसे बड़ी लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की, और अभी भी ये स्लो डाउन नहीं हुई है, यह एक स्टेबल पेस से ग्रो कर रही है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साइट का लिंक है, जहाँ से आपको टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ दूसरे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि HDFC ग्रुप, बजाज ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, कल्याणु ग्रुप, ETC। मैं उनके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड भी करूंगा। उन वीडियो की जानकारी के लिए आप मनीपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी आकृति दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करिए। इस तरह से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो मेरे खुद के रिसर्च के लिए है और मैं इसे आपके साथ साझा करता हूँ ताकि आपको भी इससे मदद मिल सके। धन्यवाद।